मेरा नाम हकनवाज है, मैं निज़ामी एजुकेशन का असिस्टेंट मैनेजर हूँ सुरनकोट में। तो सर हमारे आज सुबह एक रैली निकाली गई जो कि हाड़ी मल्ला से डाकोंगला तक, उस रैली का मोटिव ये था कि जो यहाँ पे हमारे ड्रग्स वगैरह के रिलेटेड जो भी परेशानी है, जो भी मतलब कह रहे हैं कि उसको इग्नोर करो, बच्चों की तरफ से एक रैली निकाली गई और नारे लगाए गए, स्लोगन लगाए गए के सुरनकोट है जो हमारा सुरनकोट का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में उसी के रिलेटेड एंटी ड्रग के रिलेटेड एक रैली थी। उसके बाद यहाँ पर सुरनकोट में ऑफिस का इनाग्रेशन किया गया। इनाग्रेशन होने के बाद यहाँ से डाकोंगले में एक फंक्शन हुआ। मेन जो हमारा मकसद है निजामी एजुकेशन का वो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितना भी फार फ्लंग एरिया है, जैसे बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ पे बच्चों के पास कोई स्कीम्स नहीं बनती, हम बच्चों के एडमिशन है जो स्कॉलरशिप के थ्रू करवा रहे हैं, डायरेक्ट स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन हो रही है। कुछ बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो हम डायरेक्ट स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करवा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट होती है बच्चों को, और एडमिशन लेने से डिग्री लेने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है। और जितने भी बच्चों ने अभी एडमिशन ली है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि किसी की हेल्प भी हो रही है और बहुत उन बच्चों का फ़ायदा भी हो रहा है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी अगर एडमिशन वगैरह लेनी है या कोई परेशानी है, अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सुरनकोट के अंदर, सुरनकोट मेन बस स्टैंड में हमारा ऑफिस है। मेरे साथ ये रमीर साहब काम कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पे मैनेजर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, और शानवाज भाई ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी और सुरनकोट में काम कर रही है। इसका निज़ामी एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि इस फार फ्लंग एरिया में बच्चों तक ये स्कीम पहुँचानी है, स्कॉलरशिप की स्कीम के थ्रू बच्चों को एडमिशन दिलवानी है, ठीक है, बच्चों को एक रास्ता दिखाना है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसा कोर्स चुनना चाहिए और अपना फ्यूचर है जो वो कैसे बनाना चाहिए।